हेलो स्टूडेंट, इरिगेशन इंजीनियरिंग की आज क्लास में हम बात करेंगे बिहेवियर और रिवर्स के बारे में, नदियों के व्यवहार के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि कुछ स्पेशल सिचुएशंस में यानी विशेष परिस्थितियों में हमारी नदियां किस तरीके से व्यवहार करती हैं। तो आज की क्लास में हमने जो टॉपिक लिया हुआ है वो टॉपिक हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि मेंडरिंग रिवर और मेंडर के जो हमारे पैरामीटर्स हैं, जैसे कि हमारे मेंडर लेंथ, मेंडर बेल्ट और मेंडर रेशियो जैसे टॉपिक से हमें कंपटीशन में काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आज क्लास हमारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्लास को आपको पूरा देखना है। तो चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट, जिसमें हम बात करने वाले हैं मेंडरिंग रिवर के बारे में और देखेंगे इससे हमें कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं पेपर में, जो हमें जानने चाहिए और जिनको हमें अच्छी तरीके से समझना भी चाहिए। तो चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मेंडरिंग रिवर के बारे में और इनको हम समझेंगे डायग्राम की मदद से। तो देखें जरा, यहाँ पर आप देखें मेंडरिंग रिवर हम किसे कहते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ नदियों का मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है, कुछ जो हमारा अलग अलग टाइप की बिहेव कर रही हैं कुछ स्पेशल सिचुएशंस में। तो यहाँ पर आप नदी देख रहे हैं, एक जो टेढ़ी मेढ़ी नदी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, एक्चुअल में ये हमारी कैसी है, ये हमारी मेंडरिंग रिवर है। अब इस मेंडरिंग रिवर को हम जानेंगे कैसे और पहचानेंगे कैसे कि हमारी यही रिवर हमारी मेंडरिंग रिवर है, इसमें हमें क्या इसकी स्पेशलिटीज देखने को मिल सकती हैं। तो अगर आप देखें कि जब कोई नदी हमारी एक्सियल पाथ से डेविएट होकर यानी विचलित होकर कुछ एक अपना अलग ही रूट तय कर लेती है, तो वो हमारी नदी हमारी क्या कहलाती है, कुछ अलग ही एक स्पेशल कर्व बना लेती है, तो उस रिवर को हम क्या कहते हैं, मेंडरिंग रिवर कहते हैं। अगर आपको विस्तार से बताना चाहें, यानी जब कोई रिवर हमारी एक्सियल यानी कि सीधी दिशा में चल रही थी, लेकिन उसने अपना जो पथ है, अपना जो उसका रास्ता है, उससे वो डेविएट हो गई और डेविएट होने के बाद में कुछ हमारे स्पेशल रिवर्स ऑर्डर के कर्व बना ले, यानी कि कुछ हमारे उल्टे क्रम के कर्व बना ले और कुछ एस शेप की आकृति में वो हमारी मुड़ जाए, तो ऐसी रिवर को हम क्या कहते हैं, हम मेंडरिंग रिवर के नाम से जानते हैं। अगर आप इसको डिफाइन करना मैं चाहूं तो यहां पर देखें, जब कोई रिवर अपने एक्सियल पाथ से डेविएट होकर, एक्सियल पाथ का मतलब यह है अक्षीय पथ, डेविएट का मतलब होता है विचलित होकर यानी डेविएट हो जाती है, तब यह नदी हमारी क्या है उल्टे क्रम, यानी कि जो रिवर्स ऑर्डर में, उल्टे क्रम को हम इंग्लिश में क्या लिख रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर की कर्वेचर का निर्माण करती है, और ऐसी रिवर को हम क्या कहते हैं, मेंडरिंग रिवर कहते हैं। अभी आपको इसमें और विस्तार से चर्चा करते हैं इस पर, मेंडरिंग रिवर इसको हम क्या कहते हैं, मेंडरिंग रिवर कहते हैं या मेंडरिंग रिवर क्या कहलाती हैं। तो अब आपके यहाँ पर ये समझना आपको ज़रूरी है कि इसमें हमारा जो कर्वेचर है, रिवर्स ऑर्डर का हमारा कर्वेचर किस तरीके का है। अगर आप यहाँ पर देखें कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एस कर्व जैसी शेप बन जाती है, तो यहाँ पर आप एस कर्व में देखें कि हमारा ये कर्वेचर कुछ अलग है और ये कर्वेचर हमारा बिल्कुल इसके उलट है, यानी एस की जो हमारी शेप होती है इसमें हमारे दो टाइप के कर्वेचर होते हैं और दोनों ही कर्वेचर हमारे कैसे होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यहीं से आप समझिए कि जब कोई रिवर हमारी एक्सियल डायरेक्शन में यानी सीधी बह रही थी, लेकिन सीधी ना बहकर वो कुछ अपने ऐसा कर्व बना ले, अपने रास्ते से विचलित होकर कुछ इस तरीके से एक कर्व बना ले, और वो कर्व हमारे कैसे हों, कुछ रिवर्स ऑर्डर के, यानी एक दूसरे से उल्टे क्रम के ऑर्डर हों, कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कर्व हमारा इस तरीके का है और अगला कर्व इसका बिल्कुल विपरीत यानी उल्टे क्रम का हो, इस तरीके का कर्व हो, तो ऐसा जो कर्व रिवर हमारी बना लेती हैं, ऐसी रिवर को ही हम क्या कहते हैं, मेंडरिंग रिवर के नाम से जानते हैं। अब आप यहाँ पर जानिए कि अगर ये एस कर्व बना रही है तो इसमें हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें पढ़ने चाहिए, या फिर हमें इसमें और क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो अगर आप देखें इस डायग्राम में कि अगर कोई रिवर हमारी, ये जो एरो है, ये एरो हमारा क्या बता रहा है, रिवर की हमारी जो फ्लो डायरेक्शन है, यानी जो नदी हमारी किस तरीके से बहती हुई आ रही है, तो हमारी इसकी फ्लो डायरेक्शन इस तरीके से है। तो अगर रिवर हमारी इस दिशा से बहती हुई आ रही है, तो मेंडरिंग रिवर में क्या होता है कि इसकी जो ये सरफेस आप देख पा रहे हैं, जो मैंने यहां पर ब्लैक कलर से जो सरफेस बना रखी है, जिस पर मैं अभी रेड कलर का यहां पर पेन चला रहा हूं, तो ये जो हमारी सरफेस है, इस सरफेस को हम क्या कहते हैं, ये हमारी कॉन्वेक्स सरफेस है। कैसी है, कॉन्वेक्स सरफेस, यानी इसकी कैसी हमारी उत्तल आकृति है, तो हमारी कॉन्वेक्स शेप है, और इस कॉन्वेक्स शेप में ये हमारी क्या है, इसकी इनर एज भी कहते हैं इसको हम, ये हमारा क्या कहलाएंगे, ये इनर एज हमारी कहलाएगी। तो देखें जरा, मेंडरिंग रिवर में
जो हमारी एस शेप बनती है उस एस शेप में हमारी ये एज जो है वो इनर एज होती है और इनर एज ही हमारी क्या है कॉन्वेक्स शेप ही है। अब आपको यहाँ पूछा जा सकता है कि जो मेंडरिंग रिवर में जो एस शेप कर्व बनती है तो उसमें जो इनर एज है उसका क्या नाम है, तो आपको बताना है वो हमारी किस टाइप की शेप होती है, तो हमारी वो कॉन्वेक्स शेप होती है। और साथ ही साथ आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कॉन्वेक्स शेप में हमारी सिल्टिंग होती है या फिर हमारा सॉइल इरोजन होता है। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर हमारी क्या होती है, सिल्टिंग होती है। ये जो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, सिल्टिंग हमें देखने को मिलेगी, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगी, सिल्टिंग क्रिया होती है। तो एक तो आपको ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ पर याद रखना है कि मेंडरिंग रिवर में हमारी जो एस शेप बन रही है, एस शेप का जो हमारा कर्वेचर बन रहा है उसमें हमारी जो इनर सरफेस है, इनर एज है, वो हमारी कॉन्वेक्स होती है और उसमें सिल्टिंग क्रिया होती है। अब यहाँ पर आपको मैं इस डायग्राम की मदद से भी समझाऊंगा कि आखिर हमारी इसमें सिल्टिंग क्रिया क्यों हो रही है। उससे पहले हम एक और चीज़ समझते हैं कि यहाँ पर आप देखें जब हमारी रिवर इस डायरेक्शन में आएगी और यहाँ पर हमारी जो सिल्टिंग क्रिया हमें देखने को मिलती है तब फिर क्या करेगी, तो रिवर का जो हमारा एक्स्ट्रा वाटर होगा वो इस डायरेक्शन में हमारा आएगा और इस डायरेक्शन में इस तरीके से वो घूमेगा कि यहाँ पर हमारी सॉइल का क्या होने लगेगा, इरोजन होने लगेगा, यानी सॉइल मृदा अपरदन होगा और यहाँ से हमारी मिट्टी कटने लगेगी। तो अगर आप देखें जरा इस सरफेस की मैं अगर बात करूँ तो ये जो हमारी सरफेस है, यानी अगर हम इसके इंटरनल सरफेस की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये जो हमारी इंटर सरफेस है तो ये हमारी कैसी है, इसको सबसे पहले तो हम ये कहेंगे ये अगर हमारी इनर एज थी तो ये हमारी क्या हो जाएगी, आउटर एज हो जाएगी। एक तो आपको ये याद रखना है कि हमारी आउटर एज है। अब आपसे पूछ सकता है कि आउटर एज हमें क्या करना है, रिवर के अंदर ही देखना है, तो रिवर के अंदर ही हमारी ये जो शेप है वो कॉन्वेक्स ही थी, जबकि ये वाली शेप हमारी क्या कहलाएगी, कॉनकेव शेप हमारी ये कहलाएगी। तो ये हमारी जो शेप है वो कैसी है, कॉनकेव यानी अवतल आकृति की यहाँ पर हमारी है, तो हमारी कॉनकेव शेप हमारी हो गई यहाँ पर। तो अब आप देखें यहाँ पर कि जो हमारे एस कर्व बन रहे हैं उस एस कर्व में हमारी जो इनर एज है उसमें सिल्टिंग हो रही है। अगर आप बात करें आउटर एज की तो आउटर एज में क्या होगा, हमारा सॉइल इरोजन हमें देखने को मिलता है, यानी हमें क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर, सॉइल इरोजन हमें देखने को मिलेगा, यानी मृदा अपरदन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये थी हमारी बात किसकी, कि एस कर्व में एस जो शेप का कर्व हमारा मेंडरिंग रिवर बनाती है तो वो उसमें हमें इनर एज और आउटर एज में हमें कौन कौन से एक्शन देखने को मिलते हैं रिवर के द्वारा। अब आप देखें इस डायग्राम की मदद से भी मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर इसमें हमारा इनर एज पर इसमें सिल्टिंग और आउटर एज पर हमारी सॉइल इरोजन हमारा क्यों हो रहा है। तो देखें जरा यहाँ पर अगर आप देखें कोई रिवर हमारी इस तरीके इस डायरेक्शन में बहती हुई आ रही है तो यहाँ पर हमारा जो रिवर का फ्लो है वो सीधी बहती हुई आ रही है, लेकिन रिवर अगर हमारी इस डायरेक्शन में मुड़ना चाहती है तो वहाँ पर आप देखें कि इस डायरेक्शन में रिवर हमारी आ रही होगी तो ये वाली जो शेप है इस शेप पर हमारा क्या हो रहा होगा, सिल्टिंग हो रही होगी और उतना ही हमें क्या देखने को मिलेगा, उतना ही हमें इस सरफेस पर हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें सॉइल इरोजन देखने को मिलेगा। ध्यान से देखिए जो मैंने रेड कलर में बनाया है ये हमारी क्या है, इनर एज है और इस इनर एज पर हमें सिल्टिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे ही रिवर की हमारी जो फ्लो डायरेक्शन यहाँ पर आपको आ रही है तो ये जो फ्लो डायरेक्शन यहाँ पर है तो वो इसी तरह से सीधा हमारा पानी बहता हुआ आ रहा होगा और जो नदी में यहाँ पर हमारी सॉइल होगी उस सॉइल से पानी हमारा टकराएगा और यहाँ पर हमारा क्या होगा, हमें सॉइल इरोजन देखने को यहां पर मिलेगा। अब फिर दोबारा से एक बार और देखें कि और डायरेक्शन में हमारा पानी अगर आएगा तो यहां पर हमें और ज्यादा क्या देखने को मिलेगा, हमें और ज्यादा सिल्टिंग देखने को मिलेगी और इस सरफेस पर अगर हम आउटर सरफेस की अगर हम बात करें तो आउटर सरफेस में हमें क्या देखने को मिलेगा, और ज्यादा हमें सॉइल इरोजन देखने को मिलेगा। तो अब आप देखिए हमारा इस तरीके से कुछ हमारी रिवर्स बिहेव कर, इस तरीके का हमारा कुछ मेंडर रिवर हमारी कुछ इस तरीके से नेचर इस तरीके से हमारा वो बिहेव करती है। आगे अगर हम बात करें, अब यहाँ पर अगर देखेंगे सर हमारी जो कर्वेचर है वो कर्वेचर हमारी यहाँ से मुड़कर इस तरीके से हो गई है, तो अगर हम इस कर्वेचर में आप देखें तो यहाँ पर अगर जो वाटर जाएगा तो यहाँ पर वाटर हमारा अब इस सॉइल से टकराएगा तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, देखें ये हमारी जो इनर एज ये हो गई, अब आउटर एज ये वाली है तो यहाँ पर हमारी सॉइल क्या होगा, इरोजन होगा, जबकि हम इस सरफेस की अगर बात करेंगे तो इस सरफेस पर हमारा क्या होगा, इस सरफेस पर हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें सिल्टिंग देखने को मिलेगी। तो अब ये सरफेस हमारी सिल्टिंग होगी और बाहर वाली सरफेस हमारी कैसी होगी, इसमें आपको सॉइल इरोजन देखने को, यहां पर मृदा अपरदन, मिट्टी हमारी यहां से कटती जाएगी और इस तरीके से हमारी रिवर कुछ इस तरीके का रिवर हमारी कुछ यहां पर बिहेव हमें देखने को मिलेगा। तो अब आपको यहां पर समझना है कि मेंडरिंग रिवर में, अच्छा देखें आगे इसको मैंने जो हमारी हिंदी में डेफिनेशन थी उसको मैं यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, क्योंकि जो भी हमारे इंग्लिश के इंग्लिश में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो समझने में, इस डेफिनेशन को मैं इंग्लिश में भी यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखें
मैंडरिंग रिवर को अगर हम इंग्लिश में डिफाइन करना चाहें तो इफ ए रिवर डेविएट्स फ्रॉम इट्स एक्सियल पाथ एंड ए कर्वेचर ऑफ रिवर्स ऑर्डर फॉर्म इज डेवलप्ड सच ए रिवर इज नोन एज मैंडरिंग रिवर। यानी जब कोई रिवर हमारी अपने एक्सियल पाथ से डेविएट हो जाती है, विचलित हो जाती है, तो रिवर्स ऑर्डर के कर्व बनाती है, जिसे हम मैंडरिंग रिवर कहते हैं। अब आगे हमने यहाँ पर बात कर चुके हैं कि जब हमारी मैंडरिंग रिवर का जो नेचर होगा उसकी इनर एज में हमारा क्या होगा जो कि हमारी कॉन्वेक्स एज है, जबकि आउटर एज पर क्या होगा जो कि हमारी कॉन्वेक्स शेप की एज है। अब आगे देखिए कि इसमें हमें लिखना है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो भी मैंने आपको बताया उस पॉइंट्स को मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि मैंडरिंग रिवर में बनने वाला एस कर्व जो कि रिवर्स ऑर्डर के कर्वेचर से बना है उसके इनर एज पर, उसके अगर इनर एज की बात करें, उसके इनर एज या आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारी कैसी है, कॉन्वेक्स शेप की है, इनर एज पर क्या हो रही है हमारी सिल्टिंग हमारी होगी। जबकि अगर हम बात करें आउटर एज की, तो आउटर एज पर आपने क्या देखने को मिलेगा, आउटर एज का मतलब ये हो जाएगा हमारी कॉनकेव हमारी शेप की एज रहती है। आउटर एज पर हमें क्या होता है, सॉयल इरोजन हमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा, यानी सॉयल इरोजन हमें देखने को मिलेगा, यानी हमारा क्या है, मृदा अपरदन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये था हमारा यहाँ पर टॉपिक। अब देखें यहाँ पर हमने यहाँ पर समझ लिया कि मेंडरिंग रिवर हमारी किस तरह की रिवर होती है और उसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे। ये आपको पॉइंट्स अच्छी तरीके से अपने नोट्स में पॉइंट भी बनाने के आपको नोट भी करते जाने हैं। अब आगे देखें कि सिर्फ अगर मेंडर की हम बात करें तो अगर हमारा मेंडर किसे कहते हैं, मेंडरिंग रिवर का मतलब है यहाँ पर विसर्पी नदी। अब आगे हमारा सिर्फ टॉपिक है मेंडर क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया कि मेंडर क्या है, कि जब हमारे उल्टे क्रम के यानी रिवर्स ऑर्डर के जो हमारा एक कर्व बन जाता है, तो जब वो एस कर्व कंप्लीट हो जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, मेंडर के नाम से जानते हैं। तो यहां पर देखें जरा कि उल्टे क्रम के कर्वेचर मिलकर जब एक कंप्लीट एस कर्व का निर्माण करते हैं तो उसे मेंडर कहते हैं। यानी कि आप यहाँ पर इंग्लिश में ऐसे इसलिए इस तरह से लिख सकते हैं, व्हेन ए कर्वेचर ऑफ रिवर्स ऑर्डर इज फॉर्म्ड ए कंप्लीट एस कर्व इज कॉल्ड मेंडर। यानी मेंडर हम किसे कहते हैं, कंप्लीट एस कर्व को कहते हैं। अब आप यहाँ पर ये भी देखिए कि अगर यहाँ पर कोई नदी हमारी सीधी फ्लो डायरेक्शन इस तरह से हो रही है, लेकिन अगर उसमें मेंडरिंग होती है तो मेंडरिंग अगर होगी हमारी तो इस तरीके से हमारा जो कर्व हमारे फॉर्म होंगे। तो अब आप खुद सोचिए इसमें कि अगर हमारा मेंडर फॉर्म होगा तो मेंडर में हमारी जो नदी की लंबाई है वो एक्सियल लेंथ यानी नदी के जो पैरल आप लंबाई नदी के अलोंग ही अगर आप जो लंबाई देखेंगे वो लंबाई हमारी बढ़ेगी या घटेगी। तो आपको साफ साफ शब्दों में समझ में आ रहा होगा कि ये हमारी एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है जो सीधी नदी में स्ट्रेट अगर हमारी पोजीशन में अगर कोई कैनाल या रिवर हमारी चलती है तो उसकी लंबाई हमारी कम होती है, जबकि मेंडर होने के बाद यानी मेंडर नेचर मेंडर हमें बिहेव हमें जब देखने को मिलेगा तो उसमें हमारी जो नदी की लंबाई है वो एक्चुअल लंबाई से हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मेंडर ऑलवेज इंक्रीज द लेंथ ऑफ रिवर। यानी मेंडर क्या करते हैं, हमेशा नदी की लंबाई को बढ़ाने का काम करते हैं, ये नदी की लंबाई को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। अब देखें यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मेंडर से जुड़े हुए मेंडर पैरामीटर्स के बारे में। अब यहाँ पर आप देखिए मैंने एक डायग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है कि एक आइडियल डायग्राम यहाँ पर हमने बनाया हुआ है। अब इस डायग्राम में आपको क्या क्या समझना है कि इस मेंडर पैरामीटर्स से हमें कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। अब मेंडर पैरामीटर्स हमारे कौन कौन से होते हैं, एक तो मेंडर लेंथ आपसे पूछ सकता है कि मेंडर लेंथ हमारी क्या होती है, दूसरा हमसे पूछ सकता है कि मेंडर बेल्ट किसे कहते हैं, और साथ ही साथ मेंडर रेशियो के बारे में भी हमसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और साथ में आप लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि टॉर्टोसिटी हमारा क्या होती है। तो देखें जरा यहाँ पर कि इस डायग्राम में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप देखें अगर कोई रिवर हमारी इस डायरेक्शन में फ्लो होती हुई आ रही है तो ये जो कर्व बन रहा है यहाँ पर वो किस डायरेक्शन में यहाँ पर फ्लो हो रही है, तो जो ये लूप यहाँ पर बना हुआ है, ये हमारा जो कर्व बना हुआ है इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ये हमारा क्लॉक वाइज डायरेक्शन का कर्व है। ये कैसा, हमारा क्लॉक वाइज, ये हमारा क्लॉक वाइज लूप है। जबकि अगर हम बात करें जब हमारी रिवर फ्लो होते होते वो यहाँ पर आ जाएगी, तो यहाँ पर अगर आप इसकी डायरेक्शन को देखें, ये जो हमारी इसकी डायरेक्शन चल रही है, अगर देखें यहाँ पर
इसकी जो डायरेक्शन देखो हमारी एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन हमारी क्लॉकवाइज थी। आप ये कह सकते हैं कि जो ये लूप यहाँ पर रिवर ने नदी ने बनाया है वो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, जबकि ये वाला जो लूप है वो हमारा क्या है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये हमारा लूप बना हुआ है। तो आप देखें ये हमारा जो लूप बना वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना। अब अगर हम बात करें मिएंडर पैरामीटर में, सबसे पहले हम बात करेंगे मिएंडर बेल्ट के बारे में कि मिएंडर बेल्ट किसे कहते हैं। तो अब आप देखें जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज लूप है और जो क्लॉकवाइज लूप है इसके आउटर एज के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं मिएंडर बेल्ट के नाम से जानते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर एज ऑफ द क्लॉकवाइज लूप एंड एंटी क्लॉकवाइज लूप, यानी कि जो हमारे क्लॉकवाइज लूप और एंटी क्लॉकवाइज लूप के बाहरी किनारे हैं उनके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं मिएंडर बेल्ट के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको डायग्राम में यहां पर बताता हूं कि ये हमें कहां पर देखने को मिलेंगे। अगर आप देखें इस किनारे की जो हमारे एंटी जो क्लॉकवाइज लूप है उस क्लॉकवाइज लूप, ये भी हमारे क्लॉकवाइज लूप ही है। तो अगर क्लॉकवाइज लूप की आउटर एज की बात करें तो ये हमारी आउटर एज ये वाली हो गई, देखें यहां से लेके ये हमारी आउटर एज को स्पर्श करते हुए यानी टच करते हुए जाने वाली हमारी एक रेखा हो गई। तो क्लॉकवाइज जो हमारा लूप है उसकी आउटर एज से लेकर जो एंटी क्लॉकवाइज है उसकी आउटर एज तक की जो हमारी डिस्टेंस है ये वाले जो डिस्टेंस में है उसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं मिएंडर बेल्ट के नाम से जानते हैं। ये हमारी क्या है मिएंडर बेल्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि मिएंडर बेल्ट हमारी क्या होती है, तो इसमें यहां पर मैं लिख देता हूं द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर एज ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डिस्टेंस बिटवीन द आउटर एज ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज लूप ऑफ मिएंडर इज नोन एज मिएंडर बेल्ट इज नोन एज मिएंडर बेल्ट मिएंडर बेल्ट। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी मिएंडर बेल्ट क्या है कि आउटर एज और इनर आउटर एज ऑफ एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज लूप के डिस्टेंस को मिएंडर बेल्ट के नाम से जानते हैं और उसे हम एम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है कि मिएंडर लेंथ क्या है, तो आपको ध्यान रखना है मिएंडर जो लेंथ है वो हमारी क्या है, सबसे पहले एक एक्सियल लेंथ है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इट इज एक्सियल लेंथ, यहां पर मैं लिख देता हूं इट इज द एक्सियल लेंथ, यानी हमारी क्या है एक्सियल लेंथ होती है। अब कौन सी एक्सियल लेंथ होती है, तो आप देखें जरा यहां पर जो हमारा क्लॉकवाइज लूप है और अगला जो सेम हमारा क्लॉकवाइज लूप आएगा वहां से वहां तक की हमारी जो यहां से लेकर यहां तक की हमारी जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को ही हम मिएंडर लेंथ के नाम से जानते हैं। मिएंडर लेंथ के नाम से यानी एम एल के नाम से हम इसको जानते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहें तो यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं आप कि टेंजेंशियल डिस्टेंस बिटवीन करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ ए मिएंडर, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो टेंजेंशियल डिस्टेंस है यानी स्पर्श रेखा वाली जो डिस्टेंस है कि इसमें दो मिएंडर पॉइंट जो मिएंडर के पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के बीच में हमारी जो डिस्टेंस है टेंजेंशियल डिस्टेंस उसे हम क्या कहते हैं मिएंडर लेंथ के नाम से जानते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल भी दिया जा सकता है इसमें और आपको थ्योरी से भी पूछ सकता है कि हमारी मिएंडर बेल्ट और मिएंडर लेंथ में हमारा क्या रेशियो है। तो अगर हम बात करें द रेशियो ऑफ मिएंडर बेल्ट टू मिएंडर लेंथ इज नोन एज मिएंडर रेशियो, यानी कि अब आपसे पूछेगा कि मिएंडर रेशियो क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है मेंडर रेशियो इक्वल टू एम बी अपॉन एम एल। तो इसका मतलब यह हो गया कि मेंडर बेल्ट टू मेंडर लेंथ आप ये कहेंगे इसमें कि किसी में द रेशियो ऑफ
द रेशियो ऑफ मेंडर बेल्ट टू मेंडर लेंथ इज नोन एज मेंडर रेशियो, यानी कि किसी भी नदी का जो मेंडर बेल्ट और मेंडर लेंथ का जो अनुपात है वो हमारा मेंडर रेशियो के नाम से जाना जाता है। अब लास्ट में आता है हमारा टॉर्टुओसिटी, हम किसे कहते हैं, तो देखें जरा ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा इसी डायग्राम से हमें समझ में आ सकता है कि टॉर्टुओसिटी का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ापन, यानी कि हम बात करें कि अगर इस टॉर्टुओसिटी अगर फाइंड हमें करनी हो तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो देखें जरा यहां पर आप देखें, जब मैंने अभी आपको बताया कि जब भी कोई हमारी मेंडर रिवर होगी तो मेंडर रिवर के केस में उसकी जितनी एक्चुअल लंबाई है, यानी कि जिसकी जो डायरेक्ट एक्सियल लेंथ जितनी थी और उसके बाद में रिवर हमारी कैसे, यानी कि अगर आप ऐसे कहें, ऐसे इसको आप इस तरीके समझिए कि अगर कोई हमारी सीधी नदी हमारी स्ट्रेट फ्लो में बह रही थी और उसके बाद में कोई ऐसी सिचुएशन हमारी आई, ऐसी कोई स्पेशल कंडीशन आई जहां हमारी नदी का जो बिहेवियर था वो मेंडर नेचर में आ गया, यानी एस कर्व में हमारी नदी हमारी क्या हुई, घूम गई। तो अब यहां पर कितनी टेढ़ी मेढ़ी हुई हमारी नदी उसकी अगर हम बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि जब हमारी नदी इस तरीके से टेढ़े मेढ़ेपन में घूम रही है तो उसकी जो एक्चुअल लेंथ है इस टाइम अलोंग द रिवर वो हमारी ज़्यादा हो गई होगी, जबकि हमारी जो डायरेक्ट एक्सियल लेंथ थी, यानी कि जो डायरेक्ट हमारी एक्सियल लेंथ सपोज करो इतनी थी यहाँ पर, ये नदी हमारी इस तरीके से बहती थी लेकिन अब ये नदी हमारी इस तरीके से बह रही है, तो अब हमारी जो डायरेक्शन है, अभी जो हमारी जो एक्चुअल लेंथ है कैनाल की रिवर की हमारी ये हो गई है जबकि डायरेक्ट एक्सियल लेंथ हमारी कम थी। तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे वो आप समझें कि द लेंथ अलोंग द इट इज़ द रेशियो ऑफ length, it is a ratio of length along the river, यानी मैं ब्रैकेट में बताऊँ actual length, यानी कि जो वास्तविक लेंथ इस समय है actual length to direct axial length। तो मैंने आपको बताया कि it is a ratio of length along the river, यानी actual length to डायरेक्ट एक्सियल लेंथ इज नोन एज टॉर्टुओसिटी ऑफ रिवर, यानी कि किसी रिवर का जो टॉर्टुओसिटी है वो क्या है हमारी, वो हमारी सीधी लंबाई जो एक्चुअल लंबाई है रिवर के अलोंग और उसकी जो उसका अनुपात हम किससे देखेंगे, डायरेक्ट एक्सियल लेंथ का जो अनुपात होता है वो हमारा टॉर्टुओसिटी रेशियो कहलाता है, यानी टॉर्टुओसिटी हमारा कहलाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने बात करी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे कॉनकेव कॉनवेक्स और इनर एज आउटर एज जैसे हमारे जो टॉपिक पर हमने डिस्कस किया है, साथ में हमने बात की है मेंडरिंग रिवर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया है और मेंडर क्या होता है, मेंडर लेंथ पर मेंडर जो नदी की लेंथ है वो उस पर क्या प्रभाव डालता है, और साथ ही साथ मेंडर पैरामीटर्स से हमने कुछ बातें करी। ये टॉपिक्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको इनको अच्छी तरीके से तैयार करना चाहिए, यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। धन्यवाद, अगले लेक्चर में हम मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको वाकई अच्छा लगा है तो इस लेक्चर को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करने में हमारा मदद भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।